के पीछे जो माजी महापुर थे उस टाइम पे भी विरोध था, और आज हमने इनको चुन के लाया मैडम को, आज भी हमारा विरोध है। हमने उनको विकास के लिए लाया था, विनाश के लिए नहीं लाया था। जहाँ जहाँ जनता के हित में कोई भी फैसला आएगा, हमारा विरोध है और रहेगा, और इसको हम पास नहीं होने देंगे। और ये जो प्राइवेटेशन आया है, इसको किसी भी हाल में हम पास नहीं करने देंगे। तो हमारे जो कर्मचारी वो सक्षम है, हमको कोई प्राइवेटेशन देने की जरूरत नहीं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। कल भिवंडी के जो महानगर पालिका है उसके अंदर महासभा थी, और महासभा में एक विषय जो है तत्काल में आ गया, जिसे बोलते हैं आयतावेड़ी, और उसके अंदर वो विषय आया था घर पट्टी पानी पट्टी को प्राइवेटाइज करने का। ये विषय जो भिवंडी के माजी महापौर है मनोज काटेकर, शिवसेना के कॉरपोरेटर है वो, तो उन्होंने ये विषय जो है एकदम ऑन द स्पॉट लेके आया था, जिसके ऊपर कई नगर सेवकों ने आपत्ति भी जताई थी। तो इसके लिए, उसी विषय के ऊपर बात करने के लिए आज हम यहाँ पे वार्ड नंबर 5 के कॉरपोरेटर मलिक मोमिन साहब के पास आए। तो हम उनसे बात करेंगे कि ये विषय पर किस तरह का विरोध जताया जा रहा है। मलिक भाई, आप बताइए हमें कि कल जो महासभा थी तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा आप संक्षेप में बताइए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कल महासभा के अंदर मैंने एंट्री दी, उसके बाद मेरे को कोकण आयोग से फ़ोन आया, मुझको एक जजमेंट की कापी लेना था, तो मैं वहाँ चला गया जब जी विषय चालू भी नहीं हुआ था। और ये विषय जो है आयते वीड़ा के अंदर मनोज काटेकर साहब ने लाया है जी, जो उप महापौर थे। हाँ। और ये विषय तो पहले से ही चल रहा है, यानी आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये विषय पहले माजी महापौर जावेद अलवी साहब के टाइम पे भी ये विषय आया था जी। तो हमने इसका विरोध किया था, उसका लेटर दिया था, ये लेटर है मेरा। हाँ। कि ये विषय ये 2018 का लेटर है, ये 2018 का लेटर है जी। उसके बाद ये विषय कल आयते वीड़े के अंदर इन्होंने डाला, इतनी बड़ी समस्या का मीटर जो है ये आयते वीड़े में नहीं आता, इसको एजेंडे में लेना चाहिए था जी। और जनता आज हमसे सवाल कर रही है, तो मैं जनता को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पीछे जो माजी महापौर थे उस टाइम पे भी विरोध था, और आज हमने इनको चुन के लाया मैडम को, आज भी हमारा विरोध है। जहाँ जहाँ जनता के हित में कोई भी फैसला आएगा, हमारा विरोध है और रहेगा, और लास्ट दम तक रहेगा। आने वाले कल में भी अगर ये विषय आया प्राइवेटेशन का, तो हमारा विरोध रहेगा और इसको हम पास नहीं होने देंगे। शहर में तो ये बातें चल रही थी कि जो आप लोग 18 लोग जिन्होंने कांग्रेस से होकर भी जो इनको चुना था, उनको वोट दिया था, तो उसके बावजूद भी अभी ये बात हो रही है कि आप लोग ने ही उनको सपोर्ट से लेके आया था, अब वो जो है वो आप लोगों के दम पर जो है पब्लिक का खून चूस रहे। मैं पब्लिक को बता देना चाहता हूँ कि हमने उनको विकास के लिए लाया था, विनाश के लिए नहीं लाया था। फिर आप जनता को मैं आह्वान करता हूं कि ऐसा कोई भी विषय शहर का आएगा जो पब्लिक के हित में नुकसानदेह रहेगा, गलत रहेगा, तो हमारा विरोध है और रहेगा। हमने उनको, फिर आपसे कह रहा हूं कि उनको विकास के लिए लाया गया था, विनाश के लिए नहीं लाया गया था। ऐसे जब भी जनता का कुछ भी मामला रहेगा, हमारा बढ़ चढ़ के विरोध रहेगा। और ये जो प्राइवेटेशन आया है, इसको किसी भी हाल में आप पास नहीं करने देंगे, ये जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। जब आपने आज आयुक्त को पत्र दिया तो आयुक्त का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने कहा इसके ऊपर? आयोग, मैं तो अभी लेटर दे के आया हूँ ना, मेरे को मैडम मिली है। आयोग तो बॉम्बे में है। अच्छा। लेकिन मैंने लेटर दे दिया है, और खुलासे में पीछे का हवाला दे के दिया हुआ है मेरा लेटर, कि कल भी विरोध था, आज भी विरोध है। क्योंकि जब कॉर्पोरेशन थी, कॉर्पोरेशन से पहले नगर पालिका थी, बाद में महानगर पालिका हुई, तो हमारे जो कर्मचारी है वो सक्षम है, उनसे कैसे वसूली की जाए वो कमिश्नर का काम है, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। घर पट्टी है, भरना चाहिए, ठीक है। तो हमारे
जो कर्मचारी वो सक्षम है, हमको कोई प्राइवेटाइजेशन देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से भिवंडी के अंदर भी घरपट्टी पानी पट्टी जो कि रिकवरी रेट काफ़ी कम था, तो उसको रिकवर करने के लिए अब जो प्रशासन है, जो भिवंडी कॉरपोरेशन है, वो प्राइवेटाइजेशन का सोच रही है, क्योंकि लोग टाइम पर जो है पानी पट्टी नहीं भर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब सोच रहे कि जब प्राइवेट आएगा, जिस तरह से टोरेंट आया था, लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा तो टोरेंट को ला के खड़ा कर दिया लोगों की छाती के ऊपर, अब टोरेंट जो है ज़बरदस्ती वसूल कर रहा, तो यही हाल जो होने वाला है अगर प्राइवेटाइजेशन आ गया पानी पट्टी और नल पट्टी पे। तो इसके लिए मैं जनता से भी आह्वान करूंगा कि वक्त से पहले अगर अपना जो बकाया है उसको भर लेंगे तो ये सारी नौबत ही नहीं आएंगी। मैं फिरोज मेमन द वॉइस से, थैंक यू।